नरेंद्र हुड्डा को जो वही सांग मांग रहा है जिसकी वही खाते खराब है। यही तो खूबसूरती है भारत के चुनाव की, नेता ही दूसरे नेता के धागे खोलने लगते हैं। पौने पांच साल तक सत्ता की मलाई चाटने के बाद अपने काम कम, विपक्षी नेताओं की बोल ज्यादा खोलने लगते हैं। और यही इन दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। उन्होंने कल एक रैली को संबोधित करते हुए सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। नायब सिंह सैनी ने हुड्डा को मिर्चपुर और गोहाना कांड की याद दिलाई। मैं भूपेंद्र हुड्डा को जो हिसाब मांग रहा है जिसकी वही खाते खराब है और हिसाब मांगता घूम रहा है, वो भी बताने का काम करे कि उनके समय के अंदर किस प्रकार से मिर्चपुर कांड हुआ था उसके बारे में भी बताने का काम करे, किस प्रकार से गोहाना कांड हुआ था उसके बारे में भी बताने का काम करे। जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, नेता इसी तरह से गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को झज्जर गए थे। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। नायब सिंह सैनी ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं, लेकिन आजकल वो मेकअप और ईमानदारी का चोला ओढ़कर सामने आ रहे हैं। पिछड़ों का और किस प्रकार से दलितों का शोषण करने का काम इनकी सरकार के अंदर होता था वो भी बताने का काम करे, किस प्रकार से इन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जो भाई अनुसूचित जाति दे था उसका गला दबाने का अशोक तंवर का काम किया था उसके बारे में भी बताने का काम करे, और किस प्रकार से भाइयों इन्होंने गरीबों के साथ मजाक और शोषण किया है उस बारे में पूरा बताने का काम करे। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश में हरियाणा मांगे हिसाब नाम से अभियान चलाए हुए हैं, जिसके लिए वो प्रदेश के अलग अलग जिलों में रैली कर रहे हैं। इस अभियान के तहत पिछले 10 सालों में हरियाणा में बीजेपी सरकार के कामों का हिसाब मांग रहे हैं। इसी को निशाना बनाते हुए नायब सिंह सैनी ने हुड्डा से हिसाब मांग लिया है।